अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है और उसमें हम आज टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस क्या होते हैं? देखिए, हम इसमें सबसे पहले मेडिकल एसेप्सिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मेडिकल है और साथ में एसेप्सिस है। एसेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस, जैसे आपको पता है कि सेप्सिस जो है वो एक सेप्टिक हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। और एसेप्सिस का मतलब क्या होगा? ए का मीन होता है एब्सेंस, तो क्या होगा? एब्सेंस होना सेप्सिस का, यानी इन्फेक्शन जो है उसको हमने ख़त्म करना है, कंट्रोल करना है। किस तरह से हम कर सकते हैं? तो मेडिकल एसेप्सिस, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन। कहते हैं कि मेडिकल एसेप्सिस इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकल एसेप्सिस क्या है? ऐसी स्टेट है जो कि कहते हैं कि जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उससे फ्री होना, ठीक है। मेडिकल एसेप्सिस, अगर हम एसेप्सिस करते हैं तो क्या करना है, हमारा मकसद क्या है? जो डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम उनसे मतलब उनसे फ्री होना, उनको ख़त्म करके उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाना, ठीक है। तो मेडिकल एसेप्सिस की शॉर्ट सी डेफिनेशन है, अगर आप ये करना चाहो तो ये कर सकते हो। मेडिकल एसेप्सिस इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी बुक पे है वो क्या है, वो उसमें कहते हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ एसेप्सिस इज डिज़ाइन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या उसने कहा कि जो प्रैक्टिस की जाती है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एसेप्सिस की, एसेप्सिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो किस तरह से डिज़ाइन की जाएगी? वो इस ऐसे डिज़ाइन की जाए कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद जो है वो कम की जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद को। अब देखें, हम बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किल हो जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उससे हम कम कर सकते हैं या उससे हम बच सकते हैं। तो या फिर कह रहे हैं कि या रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक क्या था, द प्रैक्टिस है ऑफ एसेप्सिस इज डिज़ाइन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो तादाद है उसको कम करना। ऐसे यानी मेडिकल एसेप्सिस जो हैं, प्रैक्टिस जो है, हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं। और दूसरा कहते हैं रिड्यूस करना रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो ट्रांसमिट हो जाते हैं। जैसे कि हम मास्क पहनते हैं, हम क्यों मास्क पहनते हैं? हम इसलिए मास्क पहनते हैं कि जो एक पर्सन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो कफ करता है या वो टॉक करता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बाहर आते हैं उसके अंदर से, उसके गले से, उसके माउथ से, और वो दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो मास्क हम इसीलिए पहनते हैं कि ये जो है वो उसी पर्सन तक रहें, दूसरे पर्सन तक ना पहुँचें, ठीक है। और दूसरा पर्सन के भी जो है वो भी इसीलिए मास्क पहनता है ताकि उसके माउथ के अंदर, उसके डायरेक्ट उसके माउथ में ना जाएं, ठीक है। तो ये क्या है, मेडिकल एसेप्सिस है। अब इसकी दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी हैं कि एक तो ये है मेडिकल एसेप्सिस कि ऐसी स्टेट है जिसमें डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को से आज़ाद किया जा रही है, अपने आप को स्टेट ऐसी बना दी जाए, ऐसी कंडीशन बना दी जाए, ठीक है। और दूसरी ये है कि प्रैक्टिस करना एसेप्सिस को, जो हम एसेप्सिस यूज़ कर रहे हैं ना, वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाएँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद जो है, नंबर्स जो हैं उनके कम हो जाएँ, या फिर इस तरह से यूज़ किए जाएँ कि जो रिस्क है ट्रांसमिशन का, एक पर्सन टू पर्सन यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो ट्रांसमिट होना है वो कम हो जाए। तो ये था मेडिकल एसेप्सिस। अब एक दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है, दोनों का आपस में लिंक है। दूसरी जो है वो है इन्फेक्शन। अब मेडिकल एसेप्सिस हम किस लिए यूज़ करते हैं? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं ना। जो मेडिकल एसेप्सिस हम यूज़ करेंगे, जो भी तरीके हम यूज़ करेंगे, वो हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए करेंगे। तो इन्फेक्शन क्या होती है? इन्फेक्शन की डेफिनेशन है द इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्वेजन का मतलब होता है एंटर हो जाना और ग्रोथ होना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन द बॉडी। तो क्या होता है, जैसे अगर हम एसेप्सिस यूज़ नहीं करेंगे, मेडिकल एसेप्सिस जो यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बॉडी के अंदर एंटर होंगे और इन्फेक्शन काज कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे ग्रोथ करेंगे और इन्फेक्शन काज कर देंगे, ठीक है। द इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी।
उसके बाद कहते हैं कि द जर्म्स मे बी, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है वो कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में हो सकती है या फिर थ्रू आउट द बॉडी भी हो सकती है, पूरी बॉडी में भी हो सकती है। और इन्फेक्शन जब होती है तो वो क्या करती है, कहते हैं कि इन्फेक्शन कैन काज फीवर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। इन्फेक्शन जो है वो फीवर काज करती है और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी काज कर सकती है। तो ये हो गया एक मेडिकल एसेप्सिस की डेफिनेशन और एक इन्फेक्शन की डेफिनेशन। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपस में रिलेट करती हैं कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिकल एसेप्सिस जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। अब इन्फेक्शन कैसे फैलती है, ठीक है, तो इन्फेक्शन जो है वो किस तरह से फैलेगी, उसकी एक चेन है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वो इन्फेक्शन जो है वो किस तरह से फैलती है। तो नेक्स्ट क्या है, हाउ टू स्प्रेड इन्फेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले एसेप्सिस, मेडिकल एसेप्सिस और इन्फेक्शन की डेफिनेशन बताई थी, तो क्या था कि मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है और इन्फेक्शन क्या होती है। अब कहते हैं कि हाउ टू स्प्रेड इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कैसे होगी। इन्फेक्शन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बॉडी में एंटर होता है और वहाँ पे जाके उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ग्रोथ होती है और वो इन्फेक्शन काज करता है और हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो काज हो जाते हैं। तो क्या है, अब कहते हैं कि स्प्रेड कैसे होती है इन्फेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है तो वो एक चेन बन जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हुआ, उसके बाद आगे क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, तो क्या उसमें बताता है कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विद इन अ कम्युनिटी आर एनी वेयर। कहते हैं कि एक कम्युनिटी के अंदर इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रही है या फिर किसी भी जगह पे, तो उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, एज अ चेन, इज डिस्क्राइब एज अ चेन। चेन के मतलब एक चेन बन जाती है वो, और उसमें क्या होता है, कहते हैं सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स होते हैं दैट डिस्क्राइब हाउ अ पैथोजन मूव्स अबाउट, जिसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि एक पैथोजन जो है वो कैसे मूव करता है आगे आगे इन्फेक्शन को फैलाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू स्प्रेड इन्फेक्शन, कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विद इन अ कम्युनिटी आर एनी वेयर इज डिस्क्राइब एज अ चेन सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स दैट डिस्क्राइब्स हाउ अ पैथोजन मूव्स अबाउट। अ पैथोजन क्या है, जो डिजीज काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होते हैं उनको पैथोजन कहते हैं, ठीक है। तो वो चेन जो है वो आगे आप देखेंगे कि आप बनी हुई है वो चेन, कि वो इन्फेक्शन की चेन जो है वो किस तरह से इन्फेक्शन जो है वो फैलती है, चेन कैसे बनी हुई है। सबसे पहले क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है। इन्फेक्शियस एजेंट कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन काज करेगा। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकते हैं, फंगाई भी हो सकते हैं, तो या इसके अलावा और दूसरे भी पैरासाइट्स जो होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज़ काज करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट। तो सबसे पहले जो है वो क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है। अब इन्फेक्शियस एजेंट जो है चेन कैसे बनाते हैं इसकी, इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो कहाँ पे होगा, अब उसके लिए कोई रिजर्वायर चाहिए, ठीक है। अब वो रिजर्वायर जो है वो क्या होगा, वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक एनवायरनमेंट भी हो सकता है, ठीक है, सोयल भी हो सकते हैं, यानी जहाँ पे वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो अभी मौजूद है, ठीक है। वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है उसने डिजीज़ काज करनी है तो उसको एक रिजर्वायर है, उसके आगे के रिजर्वायर में मौजूद है। रिजर्वायर पर्सन भी हो सकता है, एनवायरनमेंट भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि एक रिजर्वायर क्या है, एक पर्सन है जिसको अगर हम कहें कि हेपेटाइटिस की डिजीज़ है तो उसके अंदर क्या है, हेपेटाइटिस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, हेपेटाइटिस के जो जर्म्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो रिजर्वायर है। अब उस रिजर्वायर से अगले वाली जो चेन का अगला स्टेप है वो क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब उस रिजर्वायर से एग्जिट करना है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, एग्जिट करेगा, बाहर निकलेगा और आगे अगली चेन जो है वो बनाएगा, आगे चेन को आगे बढ़ाएगा। वो क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब हो गया कि उस रिजर्वायर जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट था वो उसमें से बाहर आया, ठीक है। अब उसमें से बाहर आएगा तो आगे उसको क्या चाहिए होगा, उसको मोड चाहिए होगा ट्रांसमिशन के लिए, कि दूसरे बंदे में उसने एंटर होना है। अब उसके लिए उसको जो मोड चाहिए
अब वो मोड क्या होगा, वो मोड जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से मोड हो सकते हैं इन्फेक्शन के। जैसा कि हम अभी कोरोना से हमें पता है कि कोरोना जो है वो कैसे फैल रहा है, मतलब किससे, मतलब जो हम खांसी करते हैं या कफ वो आ रही है हमें, और दूसरा क्या है, बात करते हैं तो जो हमारे अंदर के जर्म्स हैं वो हमारे मतलब अंदर के जो जर्म्स हैं वो बाहर आते हैं, तो वो दूसरे अगर दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को लग जाते हैं और वो उन्हीं हाथों से हाथ पे लगते हैं या किसी भी जगह पे लगें और वो हाथ उसको वहाँ पे लगें और वो जो है उसको अपने उसी हाथों से बग़ैर हाथ धोए वो खा लेता है कोई चीज़, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, उसके गले में चले जाएंगे, तो जाके इन्फेक्शन उसको काज कर देंगे। इसी तरह से अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस जो है उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं, ब्लड में होते हैं। तो ब्लड अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है जिसमें पहले जो रिजर्वायर था जिसमें पहले हेपेटाइटिस की डिजीज़ थी, अब उससे निकला है ब्लड और वो किसी हेल्दी पर्सन को, अब मोड क्या बन गया उसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या बन गया, वो ब्लड है ना जिससे वो हेल्दी पर्सन को जाएगा, अब उसका ब्लड निकला है हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर, वो एंटर हो गया बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर वो कैसे एंटर होगा, जैसे अगर किसी को कोई कट लगा हुआ है तो वो जो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड था वो हेल्दी पर्सन के कट वाली जगह पे लग गया तो वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, तो जिससे क्या होगा उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। तो ये क्या था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या हो गया। अगर हेपेटाइटिस की बात की जाए, हेपेटाइटिस बी सी की, तो उसका ब्लड बोन डिजीज़ है तो वो क्या है, ब्लड से लगता है। और अगर जैसे ट्यूबरक्लोसिस होती है वो कफ करने से, बॉडी जो हमारे गले में जो लंग्स में ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो इन्फेक्टेड पर्सन के ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाहर आके हवा में आ जाते हैं और वो अगर उसमें दूसरे जो हेल्दी पर्सन है वो ब्रीथ करते हैं, उसमें सांस लेते हैं, तो उनको उनके अंदर चले जाते हैं और उनको जाके डिजीज़ काज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। अब पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री भी इसी में आपके हो गया है कि जब एक पर्सन के हाथ पे कट लगा हुआ है वो जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसका ब्लड जो है, ब्लड जो था वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, मोड था उसका, और एंड पोर्टल ऑफ एंट्री वो पर्सन जिसके हाथ पे कट लगा था। जैसे आप है, अगर किसी पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, आपके हाथ पे कट लगा है, आपने ग्लव्स नहीं पहने और उस पेशेंट का ब्लड जो है आपके हाथ पर लग गया, तो वो इन्फेक्शन हो सकती है। या फिर आपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाया है और वो सिरिंज की नीडल जो है आपके हाथ पे प्रिक हो गई है, तो क्या हो गया, आपको उस पेशेंट का ब्लड आपके हाथ पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आप जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगी आपको, तो पोर्टल ऑफ एंट्री ये है। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं ससेप्टिबल होस्ट, जो लास्ट पार्ट है चेन का वो क्या है, ससेप्टिबल होस्ट। अब ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है, जो वल्नरेबल हो, वल्नरेबल क्या होता है, ऐसा इंसान जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, यानी जिसमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, वो वल्नरेबल होता है। अब जिसने तो वैक्सीन करवाई होगी उसको तो ब्लड लग भी जाता है, तो उसको क्या होता है, वैक्सीन हुई हुई है उसको, उसके अगेंस्ट हेपेटाइटिस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हेपेटाइटिस का, उसके अगेंस्ट वैक्सीन हुई हुई है, इसलिए उसको तो नहीं मतलब होगी डिजीज़। लेकिन अगर उसको वैक्सीन नहीं हुई, ससेप्टिबल है वो, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो क्या होगा, इम्यूनिटी नहीं है उसके अंदर इस ऑर्गेनिज्म की, तो क्या होगा, उसको वो डिजीज़ जो है वो हो जाएगी। तो ये क्या था, चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो क्या है, अब उस सॉरी जिस इस पर्सन को जो ससेप्टिबल होस्ट था उसके अंदर अब एंटर हो गया है, ठीक है, अब उसके अंदर एंटर हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अब फिर क्या है, ये वाला जो इन्फेक्शियस एजेंट फिर उसके ऊपर चला जाएगा कि इन्फेक्शियस एजेंट फिर से है, एक पर्सन में है, ठीक है, फिर पोर्टल ऑफ एग्जिट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, पोर्टल ऑफ एंट्री है और ससेप्टिबल होस्ट है। इसी तरह से ये एक चेन बनती है इन्फेक्शन की, कि अब कोई भी डिजीज़ है, अब उसके मुख्तलिफ होते हैं, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मुख्तलिफ होता है, ठीक है, कि वो किस तरह से करता है, और उसके लिए ससेप्टिबल होस्ट भी मुख्तलिफ होता है। अब देखो, जिसने ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन नहीं हुई हुई होगी, जिस भी डिजीज़ की वैक्सीन नहीं हुई होगी, वो उसको उसके लिए ससेप्टिबल होगा कि उसको वो डिजीज़ जो है वो हो सकती होगी। तो इसमें क्या था, चेन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहले इन्फेक्शियस एजेंट होता है, वो क्या होता है, एक रिजर्वायर के अंदर होता है, वो इंसान भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है, सॉयल भी हो सकता है, मतलब किस जगह पे वो रह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो वायरस है।
उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट है कि वो वहाँ से निकलता है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो किसी भी मोड के थ्रू किसी भी जरिए से वो दूसरे में एंटर होता है। तो वो क्या है, जब दूसरे में एंटर होना है तो वो पोर्टल ऑफ एंट्री है कि वो उसके दूसरे एक हेल्दी पर्सन में एंटर होगा, और उसके बाद वो किस पर्सन में पे अटैक करेगा, जो ससेप्टेबल होस्ट हैं, जो मतलब जिनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जो वल्नरेबल हैं उन पे वो अटैक करेगा। ठीक है, तो ये हो गया चेन ऑफ इन्फेक्शन, के इन्फेक्शन जो है वो एक चेन के थ्रू फैलती है। ठीक है, एक चेन होती है। अब हमने पढ़ा था मेडिकल एसेप्सिस, हमने मेडिकल एसेप्सिस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमने फ्री करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स से। ठीक है, एक ऐसी स्टेट बनानी है, ऐसी कंडीशन बनानी है एक इंसान की जिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्फेक्शन काज करते हैं, इन्फेक्शन जो है हमने उसको कंट्रोल करना है, इन्फेक्शन को ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक जो है वो यूज़ करनी पड़ती है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रहना है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। तो मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक में हमने सबसे पहले हम जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको देखेंगे कि इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो, अच्छा, इन्फेक्शियस एजेंट को ख़त्म करना है। इन्फेक्शियस एजेंट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेडिकल एसेप्सिस टेक्निक जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, हमें स्टरलाइजेशन करनी पड़ेगी, जो कंटेमिनेटेड चीज़ें हैं उनको हमें स्टरलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें फ्लोर की, तो फ्लोर को हमें डिसइंफेक्टेड यूज़ करके वो साफ़ करना पड़ेगा ताकि जो इन्वायरमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी ख़त्म हो सकें। ठीक है, उसके बाद रिजर्वायर है। अब रिजर्वायर को किस तरह से हम करेंगे, रिजर्वायर क्या था, एक पर्सन था जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थे। ठीक है, तो वो उस पर्सन को हमें इम्यूनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वैक्सीन लगानी पड़ेगी। पोर्टल ऑफ एग्जिट, अब पोर्टल ऑफ एग्जिट से क्या था कि वो जिस पर्सन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स थे वो उस पर्सन से बाहर निकलने हैं। जैसे कि हम मास्क पहनते हैं, तो मास्क हम इसीलिए पहनते हैं कि वो हमसे निकल के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे पर्सन तक ना पहुँचे। तो क्या हो गया, हम मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे। ठीक है, और उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया है कि ब्लड हाथ पे लग जाता है या नीडल प्रिक हो जाती है, तो हम इससे अवॉइड करेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो उससे बचा जाए। कि हमने किस तरह से बचना है, जैसे हम मास्क पहनते हैं ये कोरोना से बचने के लिए, और ग्लव्स पहनते हैं कि किसी जगह पे कोरोना के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना लगे हुए हों, और हमारे हाथों पे वो अगर डायरेक्ट लग जाते हैं और हम बग़ैर हैंड वॉश किए हुए कुछ खा लेते हैं तो क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर चले जाते हैं। इसी तरह से हेपेटाइटिस बी सी के हैं कि वो ब्लड बोन डिजीज़ है, तो ब्लड हमारे हाथों पे लग जाता है या फिर नीडल हमें प्रिक हो जाती है तो क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे वो। उसके बाद ससेप्टेबल होस्ट जो है, जो जिसकी जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, वल्नरेबल होते हैं जो इन्फेक्शन के लिए, तो वो होस्ट जो है उनको इम्यूनाइज किया जाएगा। ठीक है, वो जो है उनको इम्यूनाइज किया जाएगा, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि उनमें इस बीमारी से लड़ने के लिए, इस डिजीज से लड़ने के लिए इम्यूनिटी जो है वो पैदा हो जाए।